now what is reproduction before we discussing the what is reproduction it is necessary शन के बारे में पढ़ने से पहले हम एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन हमें पता होना चाहिए वाई डू ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करने की जरूरत क्यों है ठीक है After all, reproduction is not necessary to maintain the life of an individual organism. After all, agar reproduction हमारी life में अगर हम reproduce नहीं करेंगे तो उसका effect हमारी life में नहीं पड़ेगा. Reproduction हमारी life process other processes की तरह essential नहीं है. For example, अगर हम nutrition नहीं लेंगे तो हमारी body हम faint हो जाएंगे, हमारी body active नहीं रहेगी, respire नहीं करेंगे तो even हमारी death तक हो सकती है. एक्सक्रीशन नहीं होगा तो भी डेथ हो सकती है बट इफ वी डू नॉट रिप्रोड्यूस नो इक्ट ऑन लाइफ अगर हमारी लाइफ पे रिप्रोडक्शन का कोई इफेक्ट नहीं है तो रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है ऑन द अदर हैंड अगर इफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म गोइंग टू क्रिएट मॉर इंडिविजुअल अगर कोई इंडिविजुअल अपने जैसे और इंडिविजुअल्स को क्रिएट करता है तो उस प्रोसेस में उसकी बहुत ज्यादा एनर्जी स्पेंड होती है लॉट्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिप्रोडक्शन प्रोसेस सो वाई द रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी एंड व्हाई डू ऑर्गेनिज्म के आंसर हमें चैप्टर में इन सारे आंसर हमें जवाब आप मिलेंगे आगे वीडियो में सो लेट्स स्टार्ट रिप्रोडक्शन इज नी वाई विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस इंडिविजुअल सिमिलर टू रिप्रोडक्शन हम इस प्रोसे, एक प्रोसेस है जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम के लिए बहुत जरूरी है ताकि वो अपने तरह के इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस कर सके बिकॉज रिप्रोडक्शन की वजह से ही लाइफ की कॉन्टीन्यूटी पॉसिबल है अर्थ में अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ही नहीं करेगा तो उसके स्पीशीज क्या हो जाएंगी एक्सटिंक्ट हो जाएगी और खत्म हो जाएगी तो अपनी स्पीशीज को बनाए रखना लाइफ की कॉन्टीन्यूटी को रखना के लिए रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है रिप्रोडक्शन ट्रांसमिशन जैसे कि हेरिडेटरी ट्रांसमिशन का यहाँ पे मतलब है जैसे हमारे जो पेरेंट्स है हमें अप, हमारे अंदर जो करेक्टर्स है वो हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं तो रिप्रोडक्शन एक ब्रिज ब्रिज क्रिएट करता है जिससे हमारे पेरेंट्स के करेक्टर हमारे अंदर आते हैं ठीक है थीके? It involves the continuation of character. In this, the continuation of the character occurs from the parents to their daughter cells, means their young ones, by copying of the DNA. DNA, what is DNA? Here, DNA is deoxyribose nucleic acid. It is present in the chromosomes of the cell in the nucleus. DNA is a डीएनए ही एक ऐसा पार्ट है जो क्या करता है हेरिडिटी में हेल्प करता है जो हमारे करेक्टर डीएनए में ही स्टोर होते हैं ऑफ़ डीएनए डीएनए कॉपिंग ऑफ द डीएनए में यहाँ का ये यह मतलब नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट डीएनए हमारे अंदर आता है नो मेल और फीमेल के हाफ ऑफ डीएनए हमारे अंदर आता है अगर मान लीजिए बिल्कुल छोटा सा भी वेरिएशन हो जाए इज द ब्लू प्रिंट ऑफ द ऑफ तो डीएनए क्या होता है, है. मान लीजिए जो भी वेरिएशन का यहाँ मतलब है चेंजेस जो भी चेंजेस हमारे किसी यंग वन में आएंगे वो उसमें रिटेन रहेंगे अगर वो यूजफुल है और हार्मुल जो चेंजेस होते हैं वो डू नो वो आगे नहीं जाते हैं वेरिएशन वेरिएशन क्यों जरूरी है एक्चुअल में वेरिएशन या किसी भी ऑर्गेनिज्म में चेंज होना विद द टाइम चेंज आना क्यों जरूरी है ताकि ड्रास्टिक बुरी से बुरी कंडीशन में अगर कोई इन्वायरमेंट में चेंज आता है तो वो अपनी स्पीशीज को सेव कर सके उसकी स्पीशीज खत्म ना हो जैसे डायनासोर की स्पीशीज खत्म हो गई वेरिएशन प्रमोट द सर्वाइवल फॉर अ लॉन्गर टाइम वेरिएशन से क्या होता है लॉन्गर टाइम के लिए एक इंडिविजुअल एक बना रहता है तो इससे हम कह सकते हैं कि वेरिएशन भी क्या है इवोल्यूशन का एक बेसिस है नेक्स्ट डू ऑर्गेनिजम क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ डेमसेल्व ओके ऑर्गेनिज्म एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द डेमसेल्व कैसे क्रिएट करते हैं देखिए ऑर्गेनिज्म लुक सिमिलर बिकॉज देयर बॉडी डिजाइन आर सिमिलर सभी ऑर्गेनिज्म एक जैसे देखते हैं वी ऑल हैव टू लेग्स टू आर्म्स टू आईज टू इयर्स ऑर्गेनिज्म लुक्स बिकॉज देयर इफ बॉडी डिजाइन आर टू बी सिमिलर अगर हम सबका बॉडी डिजाइन सिमिलर है तो हमारे जो ब्लू है यानी डीएनए भी सिमिलर होनी चाहिए होनी चाहिए ना दस द रिप्रोडक्शन बेसिक लाइफ तो रिप्रोडक्शन क्या है एक बेसिक लाइफ लेवल है जहां पर ब्लू प्रिंट्स कॉपीज़ कौपी, बनती हैं तो देखते हैं आगे क्या है द क्रोमोजोम इन द न्यूक्लियस क्रोमोसोम कहाँ होता है सेल की न्यूक्लियस में जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है से से जो 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 नेक्स्ट जनरेशन में गई इन द फॉर्म ऑफ डीएनए हमारे हमारे हम हम हमारे अंदर जो आते हैं वो इन द फॉर्म डीएनए आते हैं तो डीएनए सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स होता है जो हेल्प करता है प्रोटीन को बनाने में लिए अगर इंफॉर्मेशन चेंज हो जाएगी तो प्रोटीन की प्रोटीन भी अलग बनेगी ठीक है डिफरेंट प्रोटीन विल इवेंचुअली लीड टू अगर डिफरेंट प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होगी तो बॉडी डिजाइन में भी ऑल्ट्रेशन होगी तो बेसिक इवेंट ऑफ द रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी cell use chemical reactions to build copies of their dna cell ke andar dna ki copies banane ke liye chemical reactions hoti hai. replication of dna is the process through which dna replicates and making their own copies these create two copies of the dna in a reproducing cell they will need to be separated from each other keeping one copying in the original cell and simply pushing the other one would would not not work because the copy pushed out would not have any organized cellular structure for maintaining life। अब क्या होता है? सेल के अंदर दो बनी नॉट सेल में ठीक है अब उन दोनों वो दोनों कॉपी एक दूसरे से अलग होती है एक कॉपी ऐसी होती है ओरिजिनल सेल के अंदर जो सिंपली वो क्या करती दूसरे को पुश आउट करती है जो कॉपी उस से सेलुलर क्योंकि उस उस दूसरी कॉपी का ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है कि वो लाइफ को मेंटेन रख सके इसलिए वो कॉपी वहां से डिलीट हो जाती है तो कॉपी इज अकंपेन्ड बाय क्रिएशन ऑफ एडिशनल सेलुलर अपरेटस देन द डीएनए कॉपी सेपरेट ईच विद द ऑन सेल सेल डिवाइड एंड गिव राइज़ टू सेल सेल डिवाइड होता है और उससे दो सेल्स बनते हैं देयरफॉर इट इज नॉटली एक्सेप्ट Expected that the process of copying the DNA will have some variation each time. जब DNA की copying होती है, तो उस time भी कुछ ना कुछ changes होते हैं।

उसके बाद है दस सर्वाइविंग सेल्स आर सिमिलर बट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर द इन बिलड टेंडेंसी फॉर वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन वी विल डिस्कस इन दिस द नेक्स्ट चैप्टर इसे हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे इवोल्यूशन वाले चैप्टर में तो हमें इससे ये पता चलता है कि जो वेरिएशन है वो बहुत नेसेसरी है हमारी बॉडी में अगर डी एन ए विद टाइम वेरिएशन होना जरूरी है बिकॉज इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है

कि जरूरी नहीं है कि हर वक्त जब भी डीएनए की कॉपी होगी तो जो उसमें वेरिएशन वो सिमिलर हो सकते हैं लेकिन वो आइडेंटिकल नहीं हो सकती है तो वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज बेसिस फॉर इवोल्यूशन सो अब uh, वेरिएशन की इम्पोर्टेंस क्या है अगर वेरिएशन पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म वेल डिफाइंड प्लेसेस प्लेसिस इन द इकोसिस्टम यूजिंग देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस वेरिएशन की वजह से ही अब uh, वेरिएशन होना ज़रूरी है इस इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए द डी एन ए कंसिस्टेंसी ऑफ डी एन ए कॉपिंग डूरिंग रिप्रोडक्शन इम्पॉर्टेंस डी एन ए की कॉपिंग होना रिप्रोडक्शन में ज़रूरी है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी डिजाइन ताकि हम हम एक सिमिलर रहें जैसे कि पर्टिकुलर स्पीशीज जो अब डॉग डॉग्स के बेबीज डॉग्स की तरह ही होते ह्यूमंस के ह्यूमंस के अगर प्रॉपर डीएनए कॉपी होती है तभी वो सिमिलर दिखते हैं अगर डीएनए कॉपिंग सिमिलर नहीं होंगी तो उनके बॉडी डिजाइन भी क्या होंगे डिफरेंट होंगे

ड्रास्टिकली अल्टर द पॉपुलेशन अगर मान लीजिए टेम्परे हमारे टेम्परेचर में कोई हम थर्टी सेवन फॉर एग्जाम्पल हम फोर्टी डिग्री पे सर्वाइव करते हैं फॉर एग्जाम्पल ओके अगर मान लीजिए कल को टेम्परेचर सिक्सटी डिग्री हो, हो जाता है तो फिर हम सर्वाइव कैसे करेंगे हम तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे हम तो मर जाएंगे तो हमारी बॉडी में वेरिएशन ऐसे होना जरूरी है कि हम सिक्सटी डिग्री में भी सर्वाइव कर सकें तो वेरिएशन सर्वाइवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट नाउ वी विल डिस्कस द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अब रिप्रोडक्शन कैसे होती है सो लेट स्टार्ट Mode of reproduction used by single. मैंने आपको बताया रिप्रोडक्शन क्या होती है reproduction एक प्रोसेस है एक है कर, है है जिससे को करता कर तो हम अब पढ़ेंगे कि सिंगुलर सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें रिप्रोडक्शन सिंगल यूनिसेलुलर ऑर्ग फॉर एग्जाम्पल अमीबा ओके अमीबा एक यूनि सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें रिप्रोडक्शन क्या कैसे होती है वो हम पढ़ेंगे अब सो लेट स्टार्ट द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बाय सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स हम इस हम एक एक्टिविटी के थ्रू इसको पढ़ेंगे तो एक्टिविटी इन डिसोल्व अबाउट टेन ग्राम ऑफ़ शुगर इन हंड्रेड मिलीलीटर ऑफ़ वाटर हम एक शुगर का सॉल्यूशन लेंगे टेन ग्राम शुगर लेंगे उसे हंड्रेड मिलीली

ऑफ अ टेस्ट ट्यूब एंड कीप इट इन वार्म प्लेस और हम उसे एक वार्म प्लेस में रखेंगे। देंगे वन टू टू आवर्स के बाद जब हम ईस्ट कल्चर को टेस्ट ट्यूब से निकालेंगे और उस पर कवर स्लिप लगा देंगे उसे माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे हमें क्या देखने को मिलेगा बहुत सारे ईस्ट सेल वहाँ पे रिप्रोड्यूस हुए होंगे अब कैसे वो हम देखेंगे हम एक एक एक्टिविटी और कर सकते हैं हम एक ब्रेड की स्लाइस लेंगे एंड कीप इट इन स्कूल मॉइज डार्क प्लेस हम उसे एक कूल cool और डार्क प्लेस पे रख देंगे एंड ऑब्जर्व आफ्टर दैट वी विल ऑब्जर्व द स्लाइड ऑफ स्लाइस ऑफ द ब्रेड अंडर द माइक्रोस्कोप वन वीक के बाद हम देखेंगे कि उसके अंदर जो फंगस है वो कैसे स्प्रेड हुई है उसमें रिप्रोडक्शन उसने कैसे हुई है

ओनलीअल रिप्रोडक्शन इट ओनली वन पेरेंट रिप्रोडक्शन का मीन यहाँ पर क्या है यह, ऐसी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जिसमें ओनली वन पेरेंट पार्टिसिपेट आईधर मेल और आईदर फीमेल इट डजेंट डिपेंड कि मेल और फीमोल फीमेल आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर दिस प्रोसेस बोथ पेरेंट्स आर नॉट नेसेसरी ओनली वन पेरेंट पार्टिसिपेट

सिमिलर होंगे ये रिप्रोडक्शन फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन होगी अगर फूड की अवेंडेंस बहुत ज्यादा होगी और जो उनको रिप्रोडक्शन करने का इन्वायरमेंट फेवरेबल मिल रहा है तो क्या होगा ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन होगी और ये सबसे फास्टर होती है बहुत ज्यादा तेज मैथड है बहुत ज्यादा फास्ट मैथड है रिप्रोडक्शन का नाउ वी विल डिस्कस एक्टिविटी ऑन बाइनरी बाइनरी जो है वो ए रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है वो हम पढ़ेंगे कैसे ऑब्जर्व ए परमानेंट स्लाइड ऑफ अमीबा हम एक अमीबा की स्लाइड को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे हम उस स्लाइड में देखेंगे कि अमीबा शोइंग फीजन कैसे देखिये ये अमीबा का पेरेंट सेल है अपनी फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करना शुरू कर जाएगा एंड देन साइटोप्लास डिवाइडिंग जब साइटोप्लाजम भी डिवाइड हो जाएगा तो कंप्लीटली यहाँ से डिवाइड हो जाएंगी और टू डॉटर टू न्यू अमीबास बन जाएंगे यानी एक अमीबा से टू डॉटर सेल्स ऑफ द अमीबा बिल फॉर्म तो दिस प्रोसेस इज द वाइनरी फ्यूजन तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बाइनरी फीजन हमें कौन कौन से बैक्टीरिया प्रोटोजो जोआ में देखने को मिलती है अमीबा पैरामीशियम द फर्स्ट स्टेप इज सीडोपोडिया सबसे पहले यहाँ पे सीडोपोडिया कैरियोकाइनिसिस होती है मीन्स न्यूक्लियस विल स्टार्ट टू डिवाइड एंड देन द साइटोप्लाजम्स विल स्टार्ट टू डिड आफ्टर डेट द टू टू ऑर्गेनिज्म इन्हें फेवरेबल कंडीशन की जरूरत होती है जब यहाँ जब अमीबा जैसे डिवाइड कर रहा है तो उसको हाईली फेवरेबल कंडीशन होनी चाहिए फूड ऑफ़ द फूड ऑर्गेनिज्म लाइक लिश्मीनिया जो काला अजर -like एक end पे यानी पर उसके होंगे और तो वाइनरी फ्यूजन में उसमें फ्लैजुल भी हेल्प करता है लेश्मीनिया में तो वाइनरी फ्यूजन का एग्जाम्पल यही है कि सबसे पहले कैरियोकाइनिसिस होती है न्यूक्लियस डिवाइड करता है एंड देन विल डिवाइड एंड टू ऑर्गेनिज्म What is cytokinesis? Cytokinesis means division of cytoplasm, and karyokinesis means division of nucleus. फीजन मल्टीपल फीजन यानी फीजन मल्टीपल टाइम्स होगा हमें ये प्लाज्मोडियम में देखने को मिलता है एक मलेरियल पैरासाइट है जब अनफेवरेबल कंडीशन होती हैं तो पेरेंट्स जब मान लीजिए रिप्रोडक्शन के लिए कंडीशन ठीक नहीं है अभी रिप्रोडक्शन नहीं हो सकती है तो पेरेंट सेल क्या करता है अपने अराउंड एक पिंक कलर की जो आप देख रहे हो एक लेयर बना वॉल बना लेता है जिसे हम सिस्ट कहते हैं ओके okay, वोल्ड और इसके अंदर साइटोप्लाज्म बहुत बार डिवाइड होता रहता है टू फोर और जब कंडीशन फेवरेबल हो जाती है तो अब देखिए यहाँ पे कितने ज्यादा माइक प्लाज्मोडियम बन चुके हैं सिस्ट वॉल के अंदर जब कंडीशंस फेवरेबल आई तो ये सिस्ट वॉल ब्रेक हो गई और इसमें से बहुत ज्यादा म्यूरोज रिलीज हो गए देखने को मिलती है ये फंगस है द पेरेंट ईस्ट सेल डेवलप से प्रोट्रूजन ऑन एन आउट्रोथ जो पेरेंट का ईस्ट सेल होता है वो अपने सिरे पर एक आउट ग्रोथ सी उसके बर्ड सी फॉर्मेशन होती like bud form will be formed and क्या होता है उसके बाद द न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट सेल एंड ये न्यूक्लियस है न्यूक्लियस की डिवीज़न होती है और न्यूक्लियस का एक पार्ट जो है वो बर्ड में मूव कर जाता है जब बर्ड में मूव कर जाता है तो उसकी इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस हो जाती है और तो आफ्टर सम टाइम द बर्ड विल रिमूव एंड टू डॉटर सेल्स विल फॉर्मड रिप्रोडक्शन ब्रेक डाउन हो जाता है और उसके हर पीस में हर फ्रेगमेंट में कैपेसिटी होती है न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म करने की यानी हर पार्ट उसका एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म लेकिन फॉर एग्जाम्पल प्लान एरिया जब तीन पार्ट में डिवाइड हुआ तो इसके हर पार्ट में न्यू प्लेनेरिया फॉर्म करने की कैपेसिटी है तो जो हमारे ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस नहीं होती है ये सिर्फ सम uh, एक्सेप्शन्स है लाइक स्पाइरोगेरा फॉर एग्जांपल डॉग है ह्यूमंस है हमारे में फ्रेगमेंटेशन नहीं होती है वी आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस इफ इफ आवर वन पार्ट आर कट डाउन फ्रॉम द बॉडी इट्स नॉट एबल टू नेक्स्ट एक्टिविटी ऑन वी विल कलेक्ट हम क्या करेंगे अपने आप, आपके आसपास कोई लेक होगा या पॉइंट होगा जहां पर बहुत डार्क ग्रीन कलर का लेक दिखाई देता है उसमें फिलामेंटल स्ट्रक्चर्स होते हैं एलगाज होती हैं, फंगस होती है हम वो पानी के लेंगे और उस, उसकी एक ड्रॉप स्लाइड में डालेंगे एंड वी विल

अपनी तरह का ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने के लिए फॉर एग्जाम्पल इज द प्लेनेरिया मैंने प्ले, मान लीजिए प्लेनेरिया यहाँ से कट गया यहाँ से कट गया तो उसके हर पार्ट में एक एबिलिटी है न्यू प्लेनेरिया जनरेट करने की ओके okay? नेक्स्ट स्पोर फॉर्मेशन स्पोर फॉर्मेशन सीन इन फंगस में हमें देखने को मिलती है rhizopus की जो जो होती होती है, है। वो -like structures, से बनी होते हैं, उनके ऊपर देखिए स्ट्रक्चर होते हैं, हैंजिया कहते हैं जिसके अंदर क्या होते हैं स्पोर्ट्स प्रेजेंट होते हैं तो जो ये स्पोर्स होते हैं यही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं स्पोर्ट्स आर एस एक्चुअली Reproducing bodies, ये, मतलब अनफेवरेबल कंडीशन में भी सर्वाइव कर लेते हैं और जब उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो न्यू ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं यहाँ पे जो जितने भी स्पोर्ट्स है उन सब में एबिलिटी है एक न्यू फंगस और न्यू इंडिविजुअल को रिप्रोड्यूस करने की तो ये स्पोर्ट्स जो है वो क्या है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है नेक्स्ट इज द वेजिटेटिव प्रोपिगेशन वेजिटेटिव प्रोपिगेशन ऐसे प्लांट्स के जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं स्टेम्स दे आर एबल टू रिप्रोड्यूस नेचुरल वेजिटेटिव भी होती है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन भी होती है जैसे कि जो मिंट होता है वो रूट से रिप्रोड्यूस करता है जो मिंट की रिप्रोडक्शन होती है मिंट प्लांट यानी पुदीना जो रूट से क्या करता है रिप्रोड्यूस करता है शुगर केन जैसमींस के जो प्लांट है वो स्टेम रिप्रोडक्शन होती है और ब्रायोफिलम में ब्रायोफिलम की लीफ नोचिस जो होती है उसकी वो उससे रिप्रोड्यूस करता है एक्टिविटी ऑन वेजिटेटिव प्रॉपिक हम क्या करेंगे कि पोटैटो लेंगे ऑब्जर्व इट्स सरफेस ऐसा पोटैटो लेंगे जिसमें ऐसी रूट्स निकली हो कट द पोटैटो इन टू स्मॉल पीसेस स्मॉल पीसीज में हम उसे कट करेंगे सम सम और एंड ठीक है उसे कट नोच और ब्रड होंगी और कईयों हो में नहीं दिखेंगी ठीक है स्प्रेड सम कॉटन एक ट्रे लेंगे उसमें कॉटन को स्प्रेड करेंगे और उसे वेट यानी गीला कर देंगे एंड देन जो हमने पोटैटो को पीसीज में कट किया है उसे कॉटन में रख देंगे एंड पे बर्ड्स होंगे टाइम थोड़े दिनों के लिए हम चेंजेस को जो भी चेंजेस स्प्रे में होंगे वो ऑब्जर्व करेंगे और हमें दिखे और हमें यह भी ध्यान रखना है कि टाइम टू टाइम हम कॉटन को गीला रखें मॉइस्चर रखे और थोड़े आफ्टर फ्यू डेज द पोटैटो गिव राइज टू फ्रेश ग्रीन शूट्स एंड रूट्स और कुछ दिनों के बाद आपको उस पोटैटो में शूट्स और रूट्स दिखना शुरू हो जाएगी तो ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे जरूर करिएगा ताकि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की प्रोसेस को अच्छे से समझ पाए अब इंपॉर्टेंस क्या होती है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की इससे क्या होता है फ्रूट्स और फ्लावर्स जल्दी लग जाते हैं इजियर प्रोसेस है एज कम्पेयर टू अदर ऐसे प्लांट्स जिनकी एबिलिटी जो खो चुके हैं वायबल सीड्स को प्रोड्यूस करने की एबिलिटी उन्हें भी हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के प्रोपेगेशन के द्वारा रिप्रोड्यूस करवा सकते हैं जो इसके प्लांट्स होते हैं वो बिल्कुल पेरेंट प्लांट से सिमिलर होते हैं सीडलेट वैराइटीज भी हम सीडलेस टोमेटोस मार्केट में मिलते हैं सीडलेस आपने पपाया देखा होगा वेरियस सीडलेस वैराइटीज आर फाउंड इन द मार्केट वी विल्सोटिव थ्रू द प्रॉपर्टी ऑफ द वेजिटेटिवेशन दिस इन दॉर्टिकल टू प्रोड्यूस ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड अदर ऑल्सो शुगर केन रोजिज एंड ग्रेप्स नेक्स्ट जो आर्टिफिशियल मेथड है वेजिटेटिव प्रॉपिगेशन का वो है टिश्यू कल्चरिंग टिश्यू कल्चरिंग कैसे होती है कल्चर न्यू प्लांट्स आर हम न्यू प्लांट्स आर ग्रोइंग हम उनका कोई टिश्यू रिमूव करेंगे जहाँ पे उसके एक्टिव सेल्स होंगे ग्रोइंग वाले टिप से लेंगे और उसे एक आर्टिफिशियल मीडियम में डाल देंगे देखिए यहाँ पे सेल टिश्यू लिया प्लांट का और उसे आर्टिफिशियल उसे हम ऐसा मीडियम प्रोवाइड करेंगे लाइक like सॉइल कि उसकी ग्रोथ मीडियम में भी अच्छे से हो आफ्टर सम टाइम यू विल सी द ग्रो रैपिडली द दैलिस विल फॉर्म स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड कैलिस And when, फिर हम उसे एक में कर देंगे जहाँ पे हम उसको हॉर्मोन्स प्रोवाइड करेंगे like प्लांट ग्रोइंग जब उसमें लीफिस तेज आ जाएगी तो हम उसे क्या करेंगे हम उसे सॉइल में सो कर देंगे तो ये जो प्रोसेस है मोस्टली ऑर्नामेंटल प्लांट के लिए की जाती है और और टेक्निकली ऑर्नामेंटल और डिजीज फ्री कंडीशन के लिए भी हम इसे प्रोड्यूस करते हैं आफ्टर वी विल डिस्कस नाउ द सेक्शुअल रिपोर्डक्शन इन प्लांट प्लाट्स रिपोर्डक्शन में प्लांट कैसे होते sexual reproduction का मतलब क्या होता है द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन डेट टेक प्लेस विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू इंडिविजुअलेंट से रिप्रोडक्शन जहां पे टू डिफरेंट सेक्सेस क्या करते हैं पार्टिसिपेट करते हैं मेल एंड फीमेल

तो मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो होते हैं वो फ्यूज होते हैं और जाइकोड की फॉर्मेशन होती है जिससे न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इनवो द डीएनएल सेलुलर ऑपरेटर्स ऑफ टू डिफरेंट ऑर्गे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो डी एन ए होता है वो ऑबियस एड दो मेल गैमिट्स आ रहे तो डी एन ए जो एक नया डिफरेंट और, ऑर्गेनिज्म होगा वो उस जिसमें जो डाइवर्स जिसके मोर करेक्टर्स होंगे डाइवर्सिटी ऑफ करेक्टर्स हमें मिलते हैं ऑफ स्प्रिंग में गैमिट्स आर डिराइव फ्रॉम टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम जो गैमिट्स होते हैं वो दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम से डिराइव होते हैं जिससे क्या होता है एक न्यू सेट ऑफ जीन की फॉर्मेशन होती है जिससे वेरिएशन के चांसेस जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की वजह से न्यू स्पीशीज का ओरिजिन होना संभव है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब यहाँ पे है सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं डिवीजन होता है डेट द डीएनए मैटर मींस हाफ डीएनए मैटर फीमेल मदर से आता है एंड हाफ डीएनए मैटर फादर से आता है और फ्यूजन होके एक न्यू डीएनए की स्पीशीज बनती है जो मेंटेन रखता है डीएनए रिप्रोडक्शन की लिमिटेशन ये है कि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व था इसमें प्रोसेस ऑफ कम्बाइनिंग टू डी एन ए कम्बाइन करते दो डिफरेंट ऑर्गन कई बार ऐ, क्या पॉसिबल होता ऐसा हो सकता है कि म्यूटेशन हो जाए और अनडिजायरेबल फीचर्स हमें देखने को मिले रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स जो एंजियोस्पर्म्स स्पर्म्स होते हैं ऐसे प्लांट्स जिनमें फ्लावर्स आते हैं उसमें भी हम उनमें उन हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है तो वो कैसे होती है हमारे फ्लावर्स में कुछ एसेंशियल वर्ल्स होती हैं एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम एंड्रोशियम इज द मेल पार्ट एंड गाइनोशियम इज द फीमेल पार्ट जो हेल्प करते हैं प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो फ्लावर होता है किसी भी प्लांट का वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो हेल्प करता है बट आर आल्सो सोर्स ऑफ अदर जो कुछ अदर ऑर्गेनिजम्स है जिनके लिए फ्लावर एक फूड का सोर्स भी फॉर एग्जांपल हनी बीज एंड बटरफ्लाईज दे टेक नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स फ्लावर्स टू टाइप्स के होते हैं कम्प्लीट uh, भी होता है और इनकम्प्लीट कंप्लीट फ्लावर्स वो होते हैं जिसमें फ्लावर के सभी पार्ट्स होते हैं एंड पिस्टिल है और ये है अगर ऐसा फ्लावर जिसमें एक भी पार्ट मिसिंग हो तो उसे हम इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं कंप्लीट फ्लावर के दो पार्ट होते हैं वेजिटेटिव पार्ट एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट पार्टस ऑफ द फ्लाटेटिव पार्ट कौन कौन से होते हैं पैटल्स एंड सैप्पल्स पैटल्स कलर्ड होती है जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट करती हैं बीज को इंसेक्ट को बर्ड्स को पैटल्स की वजह से ही जो इंसेक्ट होते हैं वो उन पर अट्रैक्ट होते हैं पैटल्स का कलर चेंज होता रहता है प्लांट टू प्लांट कई ब्राइट होती हैं, कई डल होती हैं। पेटल्स हेल्प्स टू पेटल्स से हम डिफरेंट मतलब डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि कौन सा फ्लावर कौन से प्लांट का है सेपल्स ये ग्रीन कलर की होती है जब बड़ की फॉर्मेशन होती है जब बड़ फॉर्म में फ्लावर होता है तो सेपल प्रो, सैप्पल प्रोटेक्ट करती है फ्लावर के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को नेक्स्ट डिफरेंट uh, अगर हम reproductive part की बात करें तो फ्लावर के दो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं stamen and uh, में है वो only female parts, ऐसा भी होता है, जिसमें सिर्फ मेल हो और दोनों भी तो रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होते हैं स्टेमन जो स्टेमन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसे हम एंड्रोशियम कहते हैं ये है स्टेमन स्टेमन के दो पार्ट होते हैं ये देखिए जो ऊपर ये पार्ट है ये है ग्रीन कलर का ओके okay, और ये जो नीचे एक एंथर और फिलामेंट क्या है स्टेमन बनाते हैं एंथर के अंदर पोल स्टोर होते हैं पिस्टिल दिस इज अ पिस्टिल के थ्री पार्ट्स होते हैं स्टिग्मा वेयर द बटरफ्लाई सिट स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं विच हेल्प्स इन द रिप्रोडक्शन पार्ट फ्लावर्स टू टाइप्स के होते हैं बाई फ्लावर्स वो होते हैं जिसमें स्टैमन और कार्पल्स यानी फीमेल पार्ट और मेल पार्ट दोनों होंगे तो फॉर एग्जांपल मस्टर्ड एंड चाइना रोज जिसे हम हबिस्कस भी कहते हैं मस्टर्ड प्लांट देन द यूनिसेक्सुअल फ्लावर में जो होते हैं उसमें या तो सिर्फ स्टेम या फिर मेल पार्ट ही होगा या फीमेल ही फॉर एग्जाम्पल पपाया और वाटरमेलन के जो फ्लावर्स होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं अगर फंक्शन करें फ्लॉर की तो गैमेटो डेवलप इन द प्रोड्यूस डिफरेंट द्लॉर्स प्रोड्यूस करते हैं फर्टिलाइजेशन के बिना ही फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी से फ्रूट फ्रूट की जो फॉर्मेशन होती है फ्लार की वजह से ही होती है द फ्लॉर रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं फ्लार नेक्टर प्रोवाइड करते हैं मतलब जूस होता है नेक्टर जो बर्ड्स और इंसेक्ट का फूड क्रिए होता है और फ्लावर्स जो है वो पोलिनेशन की प्रोसेस को इम्प्रूव करते हैं इसकी वजह से पोलिनेशन की प्रोसेस होती है सेल्फ फॉर क्रॉस पॉलिनेशन विल डिस्कस हाउ द पोलिनेशन क्या होता है जब पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है एक स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर में जब एक जो पोलन ग्रेन है वो जब फ्लावर के स्टिग्मा पे पहुंचेगा या एंथर के अंदर पोलन ग्रेन है उसे ओवरी के पास जाना है है क्योंकि जो पोलन ग्रेन वो रिप्रोडक्टिव गैमेट्स हैं तो उसे यहां पहुंचना इस प्रोसेस को पहुंचने तक की प्रोसेस को ही हम पोलिनेशन कहते हैं तो सेल्फ पोलिनेशन वो होती है जब बाइसेक्सुअल जो फ्लावर है जिसमें से ये सेम एंथर उसी फ्लावर के पोल स्टिग्मा पे जा रहा है तो सेल्फ पॉलिनेशन हुई। क्रॉस पॉलिनेशन अगर डिफरेंट फ्लावर पे जा रहा है लेकिन सेम स्पीशीज है ये भी हबिस्कस का प्लांट है ये भी हबिस्कस का प्लांट है ये अलग अलग पेड़ पे लगे हैं और इसका जो पॉलन ग्रेन है ये पोलन ग्रेन आपको दिख रहे हैं ये ऑरेंज और, कलर के ये ट्रांसफर हो रहे हैं ओवरी और, के अंदर यानी स्टिग्मा पे जा रहे हैं ये वाई विंड भी होता है इंसेक्ट्स के थ्रू भी होता है फर्टिलाइजेशन के अब पोलन ग्रेन यहाँ पे पहुंच गए के समझना होता है, the, अगर हम देखिए स्टिग्मा को जब यहाँ पहुंच गए तो जो पोलन ग्रेन होता है वो एक पोलन ट्यूब बनाता है बिकॉज यहाँ पे ओव्यूल्स प्रेजेंट और यहाँ तक पहुंचने के लिए उसे एक ब्रिज की फॉर्मेशन करनी पड़ेगी तो पोलन ग्रें, ट्यूब की फॉर्मेशन करता है इसके अंदर दो सेल्स होते हैं ये आपको ब्लू कलर के टू सेल्स दिख रहे हैं जनेटिव सेल होता है के अंदर एक एक फॉर्मेट ट्यूब सेल होता है ठीक है ये यहाँ पे जाते हैं यहाँ पे एग प्रेजेंट है, है। वेन द पोलन ट्यूब पैनिट्रेट एन ओवरिंग ओपनिंग इन दूल इज कॉल्ड माइक्रोपाइल जब पोलन ट्यूब यहाँ पर पहुंच गई और ओव्यूल में इसकी ओपनिंग हो गई तो यहाँ पे पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन हुई देन द द वन ऑफ स्पर्म फर्टिलाईज इसमें जो दो सेल्स है ट्यूब सेल और सेल सेल इसमें से एक सेल जो होगा वो फर्टिलाइज uh, कर जाएगा ग्रीन एग uh, के साथ और ए, क्या जाइोड की फॉर्मेशन होगी और जो अदर होगा वो ट्राइपोलाइ ट्राइपोलाइड एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन करेगा ठीक है द अदर स्पर्म फर्टिलाइज टू पॉलर न्यूक्लियाई टू फॉर्म जो एक और फॉर्म होगा वो यहाँ पे टू पॉलर न्यूक्लियाई पड़े होंगे सेल के अंदर वो इसके साथ फर्टिलाइज होकर काम करेगा फॉर ग्रोइंग एम्ब्रियो को जो फूड प्रोवाइड करेगा वो इसे प्रोवाइड करेगा तो पोलर न्यूक्लिया okay? तो जो प्लांट्स होते हैं उनमें डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है देखिए द पोलर ट्यूब रिलीजेस टू मेल जर्म सेल्स टू मेल जर्म सेल्स ने रिलीज करे इन साइड दूस एक फ्यूज हो गया फीमेल जर्म के सेल जाइगोट और उसने बेबी प्लांट बनाया एम्ब्रियो

किसकी फॉर्मेशन होती है एम्ब्रियो की देखिए ये एक एम्ब्रियो है उसके बाद ओव्यूल के अंदर ही ओव्यूल डेवलप अ टफ कोट ओव्यूल अपने अराउंड एक टफ लेयर बना लेता है और जिसकी वजह से वो सीड में चेंज हो जाता है धीरे-धीरे ओवरी जब धीरे-धीरे वो डिवाइड uh, करता है और फूड की फॉर्मेशन होती है जब आफ्टर द फर्टिलाइजेशन हो जाती है जब ओवरी ग्रो करती है तो सभी पा, पार्ट्स जो होते हैं वो श्रिवल और मतलब गिर जाते हैं, हो जाते हैं, 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 हो सिर्फ ओवरी ही अकेली ग्रो करती है। तो क्या है? है, है, तो तो क्या जब बन जाता के दो होते जो होता है, इस इस वो, है, वो स्टोर फूड फूड को स्टोरेज करता है किसके लिए जो फ्यूचर में प्लांट सीड से ग्रो होगा एम्ब्रियो के पास आपने देखा होगा इतने समय तक फुल सीड बड़े रहते हैं उसके बाद हम उसे ग्रो करते हैं और एकदम से प्लांट ग्रो हो जाता है तो कॉटिलीडन के अंदर फूड स्टोर होता है जिसकी वजह से वो जब वो सो करते हैं हम सीड को तो एकदम से उसमें से प्लांट ग्रो हो जाता है मतलब तो कॉटिलीडन उस प्लांट को फूड प्रोवाइड करता है जब तक उसमें लीव्स नहीं आती और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस शुरू नहीं होती एम्ब्रियो के दो पार्ट्स होते हैं प्लीम्यूल एंड रेडिकल जो प्लेम्यूल पार्ट होता है वो हेल्प करता है शूट को डेवलप करने में और रेडिकल पार्ट हेल्प करता है रूट को डेवलप करने में ठीक है तो इस प्रोसेस को हम जर्मिनेशन कहते हैं जब सीडलिंग से सीडलिंग हो होती है एम्ब्रियो से तो हम उसे जर्मिनेशन कहते हैं हम क्या करेंगे एक्टिविटी करेंगे हम क्या करेंगे चना के आ, चने के सीड्स लेंगे और उन्हें ओवर पूरी रात के लिए सोक कर देंगे पानी में भिगो देंगे सुबह उठकर हम क्या करेंगे कुछ एक्सेस वाटर उनसे ड्रेन आउट कर लेंगे और उन सीड्स को वेट क्लॉथ से ड्राई कवर अप कर देंगे और एक दिन के लिए उन्हें छोड़ देंगे आपको ये ध्यान रखना है कि सीड्स ड्राई ना हो उसके बाद हम उन सीड को कट करेंगे और आप डिफरेंट पार्ट्स जो है यहाँ पे हाइलम माइक्रोपाइल सीड कोट ये सभी पार्ट्स आपको उस सीड में देखने को मिलेंगे तो आज आप ये एक्टिविटी जरूर करिएगा ताकि आप पार्ट्स ऑफ सीड को देख पाए अगर पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में डिफरेंस क्या होता है पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना फ्रॉम द एंथर टू अ स्टैमन इज कॉल्ड द पोलिनेशन का सिर्फ स्टिग्मा तक पहुंचना ही क्या है पोलिनेशन है जब मेल और फीमेल गैमेट्स फर्टिलाइज होते हैं grain, grains, gamut, the, जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं और डाइगोड की फॉर्मेशन होती है तब हम उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं पोलिनेशन पॉलिनेटिंग एजेंट्स के थ्रू होती है लाइक विंड इंसेक्ट्स बटरफ्लाइज एट्राउंड और फर्टिलाइजेशन हम नेचुरली भी, भी होती है और आर्टिफिशली भी होती है सीड के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं होता है एम्ब्रियॉर्टिलेडन होते हैं जो क्या करते हैं फ्यूचर प्लांट के लिए फूड को स्टोर करते हैं प्लम्यूल हेल्प करता है शूट की डेवलपमेंट में रेडिकल हेल्प करता है रूट की डेवलपमेंट में तो एम्ब्रियो से सीडलिंग तक की प्रोसेस को हम जर्मिनेशन कहते हैं सो थैंक यू सो मच हमारा आज का ये पार्ट नहीं ख़त्म होता है नेक्स्ट वीडियो में हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन को शुरू करेंगे थैंक यू